हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिंदी का है, कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? आपका ऑप्शन है भारत हिंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छायावादी युग, उसके बाद प्रगतिवादी युग। तो कौन सा राइट आंसर होगा? एक नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी भारत हिंदू युग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। दो नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। आपका ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, यानी बातचीत का जो है लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर दो, तीन नंबर क्या बोला जा रहा है? उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? उसने कहा था कहानी के जो रचयिता का नाम क्या है? देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसके बाद अज्ञा है, उसके बाद मोहन राकेश है, उसके बाद क्या है? उदय प्रकाश, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तीन नंबर का ए नंबर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग यहाँ पर देखेंगे चार नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ था? तो गुलेरी जी का जो मूल निवास था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चार नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी गुलेर कंगड़ा हिमाचल प्रदेश, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, चार नंबर का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आ चुकी है पाँच नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति जो दिया था वो किसने, यानी भाषण जो दिया था वो किसने दिया था? तो पाँच नंबर का राइट आंसर क्या है? ए नंबर, यानी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरीके से देखना। अगर आप हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ पर आपको सारा चीज़ आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारा ऐप बीबीपी हेल्प में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, जो आप जो है अच्छे खासे नंबर, यानी 400 जो है 50 प्लस नंबर ला सकते हैं हमारे ऐप पर पढ़ करके। तो एक बार आप बीबीपी हेल्प ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद जाकर के जो है वहां से एक कोर्स मिलेगी, उस कोर्स को जो है आप लोग देख लेना, उसके बाद जो है वहां से पढ़कर बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने, यानी जयप्रकाश नारायण ने कब नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का, बी नंबर हो जाएगा, 1974 में किया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का भी जवाब बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रही है, अच्छी ढंग से आ रही है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, किस यानी पाठ में कहा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लिए, पूर्ण नारीश्वर, उसके अर्ध नारीश्वर, उसके नारीश्वर है, उसके बाद क्या है? ईश्वर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी अर्ध नारीश्वर में ये आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 8 नंबर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है कि अर्ध नारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो इसका 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, यहाँ पर देख लिए रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ आपको 100 क्वेश्चन को प्रोवाइड कराने वाले हैं आज के क्लास में, तो आप लोगों को करना क्या कि 100 क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि डायरेक्टली आपको यहाँ से 15 से 20 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्यों ना, अगर आप एक वीडियो देखकर 15 से 20 सॉल्व क्वेश्चन को करेंगे तो कितना आसान है और कितना अच्छा है। तो आप लोग ये मत करना कि शुरू से लेकर जो है बस 10-15 क्वेश्चन देखे हैं, बस छोड़ दिए, ऐसा मत करना, पूरे जो है क्लास में जुड़े रहना, बढ़िया से देखो सब। अब यहाँ देखिए, अज्ञा का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञा का पूरा नाम देखिए अज्ञात है, उसके सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेवन अज्ञा, या फिर या कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर जो जाएगा बी नंबर, नहीं क्या हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेवन अज्ञा राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है? और जो भी जो इसका पीडीएफ जो अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो जो भी बच्चे नहीं किए हैं, तो बीबीपी हेल्प पर जो है यानी डला हुआ है, आप लोग जल्दी जल्दी बीबीपी हेल्प पर जाकर के इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 10 नंबर किस पाठ में आया है? 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ में आया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 10 नंबर का। तो 10 नंबर का हमारे यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो रोज़ में आया है, रोज़ में आया है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, और ठीक है, इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैप्टर वाइज नहीं देखे तो चैनल पर अपलोड है चैप्टर वाइज वीडियोज़ को अच्छी तरीके से समझ करके पढ़ सकते हैं। अकेलापन किस पाठ की उक्ति है? क्या है कि विपत्तियाँ, उसके बाद व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। तो विपत्तियाँ, आई मीन अकेलापन किस पाठ की उक्ति है, जिसमें यहाँ पर एक जो उक्ति दिया हुआ है, विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, तो किस पाठ में यहाँ पर आया हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का, बी नंबर, एक लेख और एक पत्र में आया हुआ है ये उक्ति। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आ चुकी है 12 नंबर, क्या बोला जा रहा है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक पत्र और एक एक लेख के यानी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 12 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 13 नंबर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है? ओ सदानीला निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो ओ सदानीला निबंध के निबंधकार का नाम क्या हो जाएगा? 13 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी जगदीश चंद्र माथुर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ
पर आ चुकी है। 14 नंबर क्या बता रहा है, चार कैसे ताल है, सॉरी चौर कैसे ताल है, तो चौर जो है कैसे ताल है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर हो जाएगा, यानी उथले ताल है। ठीक है, चौर जो है ये उथले ताल है। ओके, बहुत बढ़िया, आप लोगों का तो जवाब आ रहा है अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से आप लोग पूरे देखना वीडियो को। और यहाँ पर देखिए, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है, तो सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है, चुन्नी है, बिस्नी है, उसका किसनी है या फिर मुन्नी है, तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या है, बी नंबर हो जाएगा, यानी बिस्नी जो है राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाता है। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर को देखेंगे क्या बोल रहा है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी मदन मोहन गुगलानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे क्या बोल रहा है, प्रगीत और समाज शीर्षक किस पुस्तक से लिया गया है, प्रगीत और समाज जो लिया गया है वो किस पुस्तक से लिया गया है, तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी वाद विवाद संवाद। ठीक है, वाद विवाद संवाद से इस पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, जूठन क्या है, तो जूठन क्या है, तो 18 नंबर का देखिए अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए, क्या है, रेखाचित्र है, शब्द चित्र है या फिर कहानी है फिर आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 18 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी आत्मकथा है, जूठन क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुकी है 19 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग ने थोड़ा सा तेजी में जवाब दीजिए क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन अगर आप लोग जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो 2 घंटा लग सकता है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी जो है जवाब देते जाइए, तेजी से होगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को समझने वाली बात जो है अच्छी तरीके से जो गौर से समझना नहीं है, बस आप लोग को अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्या है कि मलयज ने किस विषय में MA किया था, तो मलयज ने किस विषय में MA किया था, यहाँ पर देखिए हिंदी में, अंग्रेजी में या फिर उर्दू में या फिर बंगला में, तो इसका राइट आंसर क्या है, 19 नंबर का, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी अंग्रेजी में किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 20 नंबर क्या बोल रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो यहाँ पर है मोहन राकेश, मलयज, जयप्रकाश, उसके बाद अज्ञे, तो इसका राइट आंसर क्या है 20 नंबर का, तो 20 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मलयज राइट आंसर क्या होगा, मलयज। ओके, बहुत बढ़िया, आप लोग का तो ऐसे अच्छे तरीके से जवाब आ रही है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए त्रिश कहानी किस प्रकार की कहानी है, देखिए उत्तर आधुनिक त्रिशादी या फिर उत्तर आधुनिक कॉमेडी या फिर क्या है कि सुख तीखी, सुखन तीखी, उसके क्या हंसी लाने वाली, तो त्रिशी जो है त्रिश कौन सी कहानी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए अच्छी तरीके से, तो 21 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, नहीं उत्तर आधुनिक त्रिशादी राइट आंसर हो जाएगा, त्रिशादी। ठीक है, अगर आप लोग त्राशदी है, ठीक है, तो अगर आप लोग क्या है कि टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो जल्दी जल्दी टेलीग्राम में जुड़ जाना आप लोग, क्योंकि क्लास का टाइम कब है, कब जो है आप लोग का एग्जाम होने वाली है, सारा अपडेट जो है वहाँ पर टाइम से पहले पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, तो आप लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाना टेलीग्राम में। ओके, अब यहाँ पर देखिए किस पाठ की उक्ति है, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, तो क्या है कि ओ सदानीरा है, उसके बाद क्या है कि अर्धनारीश्वर, उसके सिपाही की माँ, उसके बाद शिक्षा, तो इसका 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर डी नंबर, नहीं शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है, तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या है, ए नंबर हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जायसी किस शाखा के कवि हैं, तो जायसी जो है ये किस शाखा के कवि हैं, तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी प्रेम मार्गी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था, तो मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या देख लीजिए जवाब को, अगर आप लोग मैं तेजी में कर रहा हूं तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से रोक लीजिए, उसके पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए फटाफट। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर क्या है, डी नंबर, नहीं क्या हो जाएगा, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुके 26 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने सूरदास से कहा, सर है कि ऐसा धिदिया काहे हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, किसने सूरदास से कहा, नहीं किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 26 नंबर का, हेमन गुरु वल्लभाचार्य ने कहा था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है, देखिए अच्छे तरीके से क्या बोल रहा है, कह रहा है सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास जो है किस भाषा के कवि हैं, देख लीजिए अच्छे तरीके से, सभी भाषा दिया हुआ है, संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधि या फिर मैथिली, तो 27 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ब्रजभाषा का। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, तो यहाँ पर आ चुके हमारा क्वेश्चन 28 नंबर क्या बोल रहा है, कहेगी तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर 28 नंबर का, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी नर हरिदास। ठीक है, नर हरिदास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से आप लोग जवाब दीजिए और देखते जाइए, अच्छी तरीके से समझते जाइए सारे क्वेश्चन को, क्योंकि मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप सॉल्व यानी बोर्ड एग्जाम के लिए कितना 15 से 20 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बस अच्छी तरीके से आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, ये नहीं कि बस कुछ क्वेश्चन को देख लिए और अच्छा नहीं लग रहा है या फिर कुछ आप लोग को अजीब लग रहा है तो छोड़ देना, ऐसा मत करना कोई भी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए नाभादास किस युग के
भक्ति कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, 30 नंबर का। तो 30 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, थोड़ा मैं स्पीड में कर रहा हूँ ओके। तो भक्ति का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 31 नंबर क्या बोला जा रहा है कि भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो भूषण की उपाधि कितने क्या है कि छत्रपति शिवाजी, उसके बाद क्या है कि महाराज छत्रसाल ने, या फिर राजा रुद्र शाह ने, या फिर औरंगजेब ने। तो 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, थ्री नंबर हो जाएगा, यानी राजा रुद्र शाह ने, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो 32 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग 33 नंबर देखेंगे, पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है। यानी पुत्र वियोग जो है शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है। तो यहाँ पर 33 नंबर का राइट आंसर सी नंबर जाएगा, यानी मुकुल राइट आंसर, यानी मुकुल से ली गई है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। यानी प्रकृति से वर्णन से कौन से जो है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, गांव का घर है, उषा है, संकेत है, उसके बाद क्या है, हार जीत। तो इसका राइट आंसर क्या 34 नंबर का। तो 34 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी उषा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल जा रहा है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो इसका 35 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन में देख लीजिए जितने सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल जा रहा है, कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए। तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, देखिए रघुवीर शाह है, उसके ज्ञानेंद्र पति है, अशोक वाजपेयी है, उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल है। इसका राइट आंसर 36 का ए नंबर हो जाएगा, यानी रघुवीर शाह हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है, 37 नंबर कह रहा है कि कवि रघुवीर शाह का जन्म कहाँ हुआ था। तो कवि रघुवीर शाह का जन्म जो हुआ था देख लीजिए, इटारसी मध्य प्रदेश, पटना बिहार, उसके बाद क्या है वाराणसी उत्तर प्रदेश, या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 37 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो लोहा जो किसका प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर का, 38 का राइट आंसर ए बी नंबर हो जाएगा, यानी कर्म का, ठीक है, कर्म का राइट आंसर हो जाएगा, कर्म का प्रतीक है कौन, लोहा। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है। तो 39 नंबर का राइट आंसर क्या है, बी नंबर, यानी सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा से, यानी संग्रह से ली गई है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, खेत रहना शब्द का अर्थ है। तो खेत रहना शब्द का क्या अर्थ है। तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी मारा जाना। खेत रहना शब्द का क्या हो जाता है, मारा जाना, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 41 नंबर, हारजीत कविता के कवि का नाम बताए। तो हारजीत कविता के कवि का नाम क्या है। तो यहाँ पर 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 41 का बी नंबर हो जाएगा, नहीं अशोक वाजपेयी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है, करेगी गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी ज्ञानेंद्र पति जो है, यानी इसका लेखक है, ठीक है, कवि हैं, ओके, गांव का घर का, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, पहला सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था। पहला जो सम्मान जो दिया गया था, सम्मानित यानी पुरस्कार जो दिया गया था ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था। तो 43 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 2006 में दिया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 नंबर को देखते हैं क्या बोल रहा है, पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताए। तो पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताने के लिए बोल रहा है। तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या है, सी नंबर हो जाएगा, यानी हेनरी लोपेज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। तो हेनरी लोपेज जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे, ठीक है। थोड़ा सा जो आप लोग अच्छी तरीके से देख करके समझ जाइए और सुनते जाइए आप लोग, ठीक है, जवाब तो वैसे दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं सबका। और यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 46 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी लालच देना, सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देना हो जाता है। तो हम लोग आज यानी ग्रामर पर्सन बुक पर्सन दोनों से, यानी 100 ऑब्जेक्टिव में पूरे मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जाता है, वो सारा चीज को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से देखते जाइए। अब यहां पर देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, यानी क्या हो जाएगा, स्वावलंबी होना राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 48 का राइट आंसर ए यानी ए नंबर हो जाए, डींग हाँकना। ठीक है, डींग हाँकना। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे क्या बज रहा है। 50 नंबर, जी चुराना का अर्थ है, तो जी चुराना का अर्थ क्या होता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसी काम से भागना। जी चुराना मतलब किसी काम से भाग जाना। ओके, अब यहाँ पर देखते क्वेश्चन नंबर क्या बज रहा है, 50 नंबर, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 50 नंबर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ठीक है, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुका है 51 नंबर, कायर का विलोम शब्द है, तो कायर का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर, यानी बहादुर, सॉरी कायर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए बहादुर हो जाएगा, ए नंबर। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्या बोल रहा है, धरती का विलोम शब्द है, तो धरती का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर हो जाएगा, यानी आकाश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्या बोल रहा है, आय शब्द का विलोम शब्द होता है, तो आय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो 53 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, आय का वह राइट आंसर हो जाएगा, वह। ओके, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव सारा जो देख रहे हैं, यानी आप लोग जो आपका विकल्प दिया हुआ वो सारा विकल्प को भी देख लीजिएगा। आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है, अंत है, समाधान है, निष्कर्ष है, उसके बाद अनीति है, तो आरंभ का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ऋण का विलोम शब्द है, तो ऋण का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका 55 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग भी कोशिश करिए जवाब देने की, सी नंबर हो जाएगा, नहीं उरीन हो जाएगा। ठीक है, ऋण का विलोम शब्द उरीन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर, अनादर का विलोम शब्द होता है, तो अनादर का विलोम शब्द क्या होता है, तो 56 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आदर, अनादर का आदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची जो शब्द होता है तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर हो जाएगा, यानी सरोज। ठीक है, सरोज हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि अरने का पर्यायवाची शब्द है, तो अरने का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो 58 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर देना, विपिन हो जाएगा, विपिन राइट आंसर क्या, विपिन हो जाएगा अरने का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 59 नंबर, बादल का पर्यायवाची है, तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 59 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या बोल रहा है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है, देखिए निरधि है, उसका पंकज है, सरोज है और पुंडरीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 60 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, निरधि जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, यहाँ पर अच्छी तरीके से आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जहाँ अगर नहीं है तो वहाँ पर है करके जो गलत कर देते, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। कौवा का पर्यायवाची क्या होगा, काग या फिर काक या फिर वायरस, सॉरी वायस या फिर इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर 61 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी दोनों है। ठीक है, तीनों है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 62 नंबर, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 62 नंबर का राइट आंसर क्या है, वाचाल कहा जाता है, जो बहुत बोलता है क्या कहता है, यानी एक शब्द का अनेक शब्द में हम लोग अब पहुंच चुके हैं, तो वाचाल कहा जाता है उसको। ठीक है, जो बहुत बोलता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुके 63 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो इसका 63 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, शैव कहलाता है। ठीक है, शिव का शैव। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 64 नंबर का, 64 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, यानी मृग चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या आ चुकी है, देखिए तीव्र वाला, तीव्र बुद्धि वाला क्या है, तो तीव्र बुद्धि वाला जो यानी क्या कहते हैं, देखिए अच्छी तरीके से देखिए, कुशाग्र या फिर बुद्धिमान है या फिर साजदार है या फिर आज्ञाकारी है, तो इसका राइट आंसर का 65 नंबर का, 65 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कुशाग्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो का एक शब्द में उसको क्या कहा जाता है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो 66 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी सुग्रीव, सुग्रीव कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुके हैं 67 नंबर क्या हो जा रहा है, पंचवटी कौन सा समास है, तो पंचवटी जो है कौन सा समास है, तो 67 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, द्विगु समास है। पंचवटी कौन सा समास है, द्विगु। तो समास के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों के लिए फिर से दोबारा से मैं वो वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। ठीक है, जो अच्छी तरीके से समझा करके दूंगा आप लोगों को। 68 नंबर का देखिए, घनश्याम में कौन सा समास है, तो घनश्याम में कौन सा समास है, तो 68 नंबर का राइट आंसर क्या है, ए नंबर हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे क्या है कि 69 नंबर, यथार्थ शब्द कौन सा समास है, तो यथार्थ जो शब्द है वो कौन सा समास है, तो उसका इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर हो जाएगा, अभी अभी भाव राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर यहां पर आ चुके क्या बता रहा है, जितेंद्रिया में समास है, तो जितेंद्रिया में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर जगह बहुबरी समास है। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्या बता रहा है, कि अंडे से जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं एक शब्द में, तो इसका राइट आंसर क्या है, 71 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, अंडज कहा जाता है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर 72 नंबर आ चुकी है, क्या बता रहा है, कह रहा है कि पीताम्बर बहुबरी समास जब होगा
तो विग्रह विच्छेद होगा, तो विग्रह विच्छेद क्या होगा, तो 72 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि पीत है अंबर जिसमें वह, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पीत है जिसमें अंबर जिसमें वह, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आ चुके 73 नंबर, क्या बता रहा है, एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यानी यहाँ पर जो है विग्रह होगा, ठीक है, तो क्या है पीत, पीत मतलब होता है कि पीला, ठीक है, पीला है अंबर जिसमें वह, ठीक है, तो यहाँ पर यही कहना जाता है, ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ओके। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बता रहा है, आत्मा का विशेषण है, तो आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा, तो 73 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं आत्मीय राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण किसे कहते हैं, देखिए, पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं, या फिर संज्ञा की विशेषण बतलाने वाले को, देख लीजिए आप लोग जवाब को, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 74 नंबर का ए नंबर, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को ही विशेषण कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए सर्वनामिक विशेषण है, तो सर्वनामिक विशेषण यहाँ पर कौन सा है, देख लीजिए अच्छी तरीके से, 75 नंबर का डी नंबर जगह, नहीं ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ये क्या है कि ये सर्वनामिक विशेषण है, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 76 नंबर क्या बता रहा है, हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो हिंदुस्तान जो है एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो ये क्या है, देख लीजिए यहाँ पर, तो 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्री नंबर, यानी साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक, यहाँ पर साप्ताहिक हिंदुस्तान जो है एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, ओके। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 77 नंबर आ चुके, क्या बता रहा है कि लोक का विशेषण है, तो लोक का विशेषण क्या होता है, तो 77 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर जाएगा, यानी लौकिक, लोक का विशेषण लौकिक हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्या बता रहा है, आत्मा कौन सा लिंग है, तो आत्मा जो है कौन सा लिंग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 78 नंबर का बी नंबर जाएगा, यानी स्त्रीलिंग है, ओके। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर आ चुके 79 नंबर, क्या बता रहा है, नौ कौन लिंग है, तो नौ जो है ये कौन लिंग है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 79 नंबर का राइट आंसर हमारा सी नंबर जाएगा, स्त्रीलिंग है, ओके। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, जल जो है कौन सा लिंग है, तो इसका राइट आंसर क्या, जल कौन सा लिंग है, तो राइट आंसर शी, यानी पुरलिंग है, ठीक है, जल क्या है, पुरलिंग है, ओके। अब देखते हैं आगे की ओर, 81 नंबर क्या बोल रहा है, कि दल का लिंग निर्णय करे, तो दल का, दल जो है लिंग निर्णय करने के लिए बोला, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी पुरलिंग है, ओके, क्या जाएगा, पुरलिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्या बोल रहा है, धन शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 82 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी पुरलिंग, राइट आंसर क्या, पुरलिंग हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 नंबर, संधि, राजेंद्र का संधि विच्छेद है, तो राजेंद्र का संधि क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, राज जोर इंद्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, कि 84 नंबर, नयन का संधि विच्छेद है, तो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 84 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ने जोर अन, ये क्या हो जाएगा, नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 85 नंबर क्या बोले, वार्तालाप का संधि विच्छेद, तो वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 85 नंबर का राइट आंसर वार्ता जोर अलाप, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि मंत्वंतर का संधि विच्छेद है, तो मंत्वंतर का संधि, सॉरी मंत नहीं है, यानी मनवंतर का, मनवंतर है, ओके, सॉरी हो जाती है मिस्टेक, मैंने यहाँ पर तेजी से करा हूँ ना, इसके वजह से जो है हो जाती है, बट आप लोग देख सकते हैं, अच्छे समझदार हैं आप लोग, ठीक है। 86 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी मन जोर अंतर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 नंबर, हिमालय का संधि विच्छेद है, तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, नहीं हिम जोर आले, राइट आंसर यहां पर ए नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जा रहा है, करेगी परमौषध, परमौषध शब्द का संधि विच्छेद, परमौषध का संधि विच्छेद क्या होगा, 88 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी परम जोर औषध, परम जोर औषध, यानी परमौषध का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो 89 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, ठीक है, बी नंबर उप हो जाएगा, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या हो जाएगा, करके भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, तो भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, तो 90 नंबर का राइट आंसर सी नंबर जाएगा, यानी भरपेट में, भर जो है ये क्या है, उपसर्ग है, ओके। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 नंबर क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएं, तो प्रतिनिधि में उपसर्ग बताने के लिए बोले हैं, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी प्रति जो है ये क्या है, उपसर्ग है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, दुस्साहस में उपसर्ग बताने के लिए बोला है, तो दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, तो 92 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी दुष जो है ये क्या है, उपसर्ग है, ओके, ठीक है, यानी दुष जो है ये उपसर्ग है, ओके। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर जो है 93 नंबर का बी नंबर, दुर जो है ये भी उपसर्ग है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुकी है 94, अनदित में कौन सा समास, सॉरी प्रत्यय है, अनदित में जो है कौन सा प्रत्यय, तो इसका राइट आंसर क्या है, 94 का, तो 94 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा,
ठीक है, यानी इत जो है ये क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, प्रत्यय समास का अगर वीडियो नहीं देखे तो उसका भी मैं आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा करके मैं लेकर आने वाला हूँ अच्छी तरीके से, जो आप लोग जो क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। चचेरा में कौन सा प्रत्यय, तो चचेरा में कौन सा प्रत्यय, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी एरा जो है ये प्रत्यय है, ठीक है जी। 96 नंबर को देखेंगे, क्या बोल रहा है, लड़का में प्रत्यय बताए, तो लड़का में कौन सा प्रत्यय है, तो 96 का राइट आंसर का ए नंबर हो जाएगा, आका जो है ये क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। तो अगर आप जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बीबीपी हेल्प ऐप के ऐप पर, या फिर अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस से, टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर, गेस पेपर, तो आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर आप जो है बीबीपी हेल्प ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो कर सकते हैं हमसे कांटेक्ट कि किस तरीके से लिया जाता है, क्या क्या जो है लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बीबीपी हेल्प नाम से एक ऐप है, ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, बीबीपी हेल्प, ओके। चलिए अब यहाँ देखते हैं, 96 तो हम लोग देख रहे हैं, अब देखते हैं 97 क्या बता रहा है, कह रहा है कि मिठास शब्द है, तो मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर 97 का राइट आंसर डी सी नंबर हो जाएगा, आस जो है ये प्रत्यय है, ओके। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98, क्या बोला, आम शब्द है, तो आम शब्द क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो 98 का राइट आंसर बी नंबर जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है पुल्लिंग। अब देखते हैं आगे की ओर, 99 में क्या बोला जा रहा है, चक्रपाणि कौन सा समास है, तो चक्रपाणि कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बहुब्री समास है, चक्रपाणि क्या है, बहुब्री समास है। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्या बोला जा रहा है, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द है, तो कृत्रिम शब्द का जो विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर हो जाएगा, यानी प्राकृत राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम में जो है कौन सा यानी क्या हो जाएगा, कृत्रिम का प्राकृत हो जाएगा, कृत्रिम मतलब मशीनीकरण और प्राकृतिक मतलब कुदरती, ठीक है। चलिए तो आपको आज का जो ये क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए बीबीपी हेल्प पर इस तरह का पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ जो है मैं बीबीपी हेल्प से ये पढ़ा रहा हूं, और जाकर के आप लोग जो भी जो है पीडीएफ बीबीपी हेल्प पर हो तो जाकर के देख लेना, वहां पर जो मॉडल पेपर रहेगा मॉडल पेपर आपको अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आज का लाइव सेशन और क्लास हम लोग का यहीं तक, और फिर